बहुत शुक्रिया आप सब के आने का, और आप सबको मेरा सलाम। आज 10 जनवरी 1917 के दिन मैंने फैसला किया है कि TDF जो तेमीना दुरानी फाउंडेशन है, जिसको हमने 2 साल पहले से शुरू किया था और 1 साल में ये फील्ड में काम कर रही है, और जिसका स्ट्रक्चर इस फाउंडेशन का सारा ईदी फाउंडेशन के साथ मिलके हमने बनाया है, लो कॉस्ट पे। जैसे ईदी फाउंडेशन चलती है उसी तरीके से हमने TDF को भी इसकी सारी फॉर्मेशन की है, इसकी फंडिंग की फॉर्मेशन, इसकी डिपार्टमेंट्स की फॉर्मेशन। तो ये सारा सिलसिला जो मैं 1 साल से चला रही हूँ इधर TDF के दफ्तर से, ये सिलसिला 1 साल से शुरू हो चुका था। जिस राह पे हम चल रहे थे और हम जिस राह को हमने पकड़ा है, जो रास्ता हमने अपने लिए डिटरमिन किया है, वो रास्ता बनते बनते 1 साल में मैं आज ये अहम ऐलान जो पाकिस्तान के अवाम के लिए और सारी दुनिया के लिए अशद ज़रूरी अब हो गया है कि हम TDF को एक तहरीक, एक मूवमेंट। TDF एक NGO नहीं है, जैसे ईदी फाउंडेशन एक NGO नहीं था। ईदी फाउंडेशन एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी। उन्होंने आपको एक जाल बिछा के तो ये दिखा दिया कि काम ज़रूरी कितना है, आपकी रीच अवाम तक पहुँचे। उन्होंने अवाम तक पहुँचने की रीच और उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को, अवाम की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी की बेसिक नेसेसिटीज़ को छूने की और उन तक पहुंचने की एक तहरीक उस फाउंडेशन से शुरू की थी। TDF ने, जहां ईदी साहब ने वो झंडा छोड़ा था, जहां ईदी साहब ने अपनी फाउंडेशन का जाल बना के, लेकिन उसका असल मकसद जो था रिफॉर्म, रेडिकल रिफॉर्म, सोशल वेलफेयर सिस्टम की तरफ मुल्क को ले जाने की जो तहरीक है, जो मूवमेंट है, जो उस काम ने आगे चलना है और ईदी साहब के झंडे को जो आगे ले के चलना है, वो उनके नज़रिए को फैलाना है। तो TDF एक तहरीक है जो ईदी इज़म के नज़रिए को फैलाएगी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में। ये एक ग्लोबल मूवमेंट है, इसके कई हिस्से हैं, अभी मैं आपको समझाती हूँ उनके हिस्से। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मेरे लिए नया कदम नहीं है। आप सबको लग रहा होगा कि एक नया कदम उठा लिया, या तो लग रहा होगा कि एक नया कदम, आपको लग रहा होगा कि एक नया कदम उठाया है, एक अब तेमीना दुरानी क्या कर रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये कदम मैंने 1991 से उठाया था, जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी। रास्ता वही है, मैं उस रास्ते से कभी हटी नहीं। इसलिए जितनी भी मेरी सोच, विचार, सवालात थे इस मुआशरे के बारे में, मैंने उसकी सूझबूझ, उसकी खोज लगा के जितनी भी किताबें लिखी, वो वेलफेयर की तरफ जाती हैं, वो सब उस तबके को टच करती हैं जो ओप्रेस्ड है, जिसके राइट्स नहीं हैं, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चे हों, और चाहे अब्दुल सत्तार ईदी साहब की किताब हो,
जो उसी उन्हीं लोगों की बात को आगे बढ़ाती है। तो ये काम मैंने अरसे से शुरू किया हुआ है। इसकी जो निचोड़ है वो अब मुझे मिला है और वो इस तहरीक के ज़रिए अब ये आखिरी सफ़र जो मैं शुरू कर रही हूँ, ये मैं इसको अपना आखिरी सफ़र बुलाती हूँ और सबसे अहम सफ़र बुलाती हूँ कि इस सफ़र पे हमने सॉल्यूशन के साथ इम्प्लीमेंट करना है कि वो रास्ते में ये सारा कुछ पॉसिबल हो और हम कर सकें। मैंने देखा है कि आपकी जितनी भी आजकल बातें हो रही हैं, आजकल आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बड़ी बात अकाउंटेबिलिटी हो रही है। 1993 में मैं एक हंगर स्ट्राइक पे गई थी और उस हंगर स्ट्राइक पे मेरी डिमांड थी अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। वो अकाउंटेबिलिटी उस वक्त मुझे सब ने रोका था, सब बल्कि हंसे थे, सब ने जैसे आज शायद कहें कि इतना बड़ा मंसूबा, चेंज द माइंड सेट ऑफ द पीपल, नॉट ओनली कि हम गरीबों का माइंड सेट बदलने की बात नहीं है, उनको तो ह्यूमैनिटेरियनिज्म आती है, जो हम सिखा रहे हैं वो ईदी साहब का फ़लसफ़ा और नज़रिया ह्यूमैनिटेरियनिज्म है। तो उनके लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो एम्पावर हों और वो अपने हक और अपने पोजीशन को सिटीज़न के तौर पे अच्छी तरह और बेहतर तरह समझ सकें। उसके अलावा हम मिडिल क्लासेस और हमारी रूलिंग एलीट, उस तबके को भी हमने माइंडसेट उनका बदलना और उनका माइंडसेट बदलने के लिए ईदी साहब की किताब ह्यूमैनिटेरियनिज्म का सिखाना और उसको उस तरफ उनको ले जाना, ताकि जो डिस्टेंस है इन क्लासेस में, रूलिंग क्लास में और गरीब में जो डिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो जाए। अगर रूलिंग क्लास भी समझेगी कि ये अब अशद ज़रूरत है कि हम वेलफेयर की तरफ जाएं, एक वेलफेयर स्टेट की तरफ जाएं, एक वेलफेयर गवर्नमेंट बनाने की तरफ जाएं, इसलिए लोग डिमांड कर रहे हैं अब कि हमें हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हमारे डोरस्टेप पे चाहिए, वो नहीं है, हम देख रहे हैं, हमें मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि हम पहचान सकते हैं और देख सकते हैं कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी को केटर नहीं किया गया इस सिस्टम में। अब इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए, इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए दोनों क्लासेस को समझना पड़ेगा कि ये एक अशद ज़रूरत इसलिए बन गई है कि अब आपकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आपको ओवरवेलम कर देगी। अगर आपने सर्वाइव करना है एज अ सियासतदान, सियासतदान की पोजीशन अगर आपने कायम रखनी है, अगर आपने हुकूमत बनानी है, अगर आपने इलेक्शन में जाना है, अगर आपने रूल करना है, तो अब सिर्फ रूलर की ज़रूरत नहीं रही। पाकिस्तान को रूलर नहीं चाहिए, पाकिस्तान को वेलफेयर पे कमिटेड खादिम चाहिए। पाकिस्तान को वो लोग चाहिए अब जो उनके मसाइल को ख़त्म करें, ताकि आप फिर बाकी मसलों को अपने हल कर सकें। जब तक आप माइंडसेट को और जब तक आप अपनी सोच विचार को उस तरफ नहीं लेके आएंगे कि गरीब आदमी की ज़रूरत क्या है, आप गवर्नमेंट नहीं बन सकते, आपको वोट नहीं मिलने चाहिए। अवाम की डिमांड वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी वेलफेयर स्टेट अपनी मैनिफेस्टो में लिख सकेगी, या जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जाके वेलफेयर स्टेट की बात करेगी,
उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहिए। और हम निकल आए हैं आपको ये आपका हक समझाने और आपको दिलाने के लिए। जब मैंने TDF की मूवमेंट की रजिस्ट्रेशन की थी, पहले मैं बता रही थी आपको 1993 की हंगर स्ट्राइक का, तो जब मैं हंगर स्ट्राइक पे गई और अकाउंटेबिलिटी के लिए खड़ी हुई तो सब लोग मेरे अपने दोस्त अहबाब हंस रहे थे कि ये क्या अब हंगर स्ट्राइक, किसने सुननी है, क्या अकाउंटेबिलिटी किसने करनी है। तब तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो पे भी नहीं था कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ना पीपल्स पार्टी के, ना जमात इस्लामी के, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी के। तब तो थी ये और मुस्लिम लीग, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर में नहीं था। जब हमने ये अवेयरनेस कैंपेन, इसको मैं बुलाऊंगी, शुरू की उस हंगर स्ट्राइक के साथ, तो कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि अकाउंटेबिलिटी वो बन जाएगी जो आज बन गई है। चाहे हम इसमें कामयाब हों चाहे ना हों, आपके अपने टीवी चैनल सारे, अखबारात सारे, सारी जगह पे बातचीत हो रही है अकाउंटेबिलिटी की। तो हम उस मंजिल पे पहुंच गए हैं जहां से आगे हमें सही रास्ता, ये सही रास्ता है, अकाउंटेबिलिटी के बगैर कुछ नहीं चल सकता, आपका घर नहीं चल सकता, तो ये सही रास्ता है। लेकिन आज जो मैं अनाउंस कर रही हूँ कि डिपार्टमेंट्स को ठीक करना या एक एरिया को ठीक करना या सुपरफ्लूस चीज़ करना कि ये ठीक हो जाए तो इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाए या वो ठीक हो जाए, ये बातें भी ज़रूरी हैं, लेकिन ये नहीं हो सकती जब तक अवामी माइंड सेट और रूलिंग एलीट का माइंड सेट इस बात पे नहीं इकट्ठा होता वन पेज पे कि वेलफेयर स्टेट सबसे ज़रूरी गोल। मुझे वो गोल नज़र आ रहा है, मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट बन गया, जैसे मैंने देखा था कि अकाउंटेबिलिटी की तरफ हमने जाना है आज पहुँच गए। उसी तरह आज मैं आपको कह रही हूँ कि इसको इसलिए गैर ज़रूरी ना लें कि मैं उसी तरह बात कर रही हूँ, कर तो सिर्फ मैं बात रही हूँ, लेकिन इसमें मेरे निकलने में, मुझे ज़रूरत नहीं थी निकलने के लिए, लेकिन मेरे निकलने में एक गोल है, एक मिशन है, एक विज़न है, और वो विज़न मैं ले के चल पड़ी हूँ इसलिए कि मैंने अब्दुल सत्तार ईदी के नज़रिए का झंडा उठाया है। आज वो वफात पा गए, वो जिन दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो दुनिया में थे तो ईदी साहब मरे हुए दुनिया में। ईदी साहब की अपनी ना कोई खुशी थी ना अपना कोई गम था, दोनों पे उन्होंने कभी दो मिनट की तवज्जो नहीं दी। उन्होंने मर के ज़िंदगी गुजारी है और एक आपके लिए नज़रिया छोड़ गए हैं जो उनकी किताब में वाज़े तौर पे समझ आ जाती है। उनके नज़रिए और उनकी एक इस्टेब्लिश्ड बात जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रूव कर दी कि जब वो अब वफात पा गए हैं, उनके नज़रिए को ज़िंदगी मिली है। आज हमने ईदी साहब के नज़रिए को ज़िंदा करके और पाकिस्तानी कौम के सामने रखा है। ये आदमी सिर्फ आपके लिए एक NGO नहीं खोल गया था, ये आपको एक रास्ता दे गया था, और वो रास्ता कितना ज़रूरी है। आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हो, आपका माइंड सेट बदलेगा तो आप हटोगे मिलिटेंट जहाद से और जाओगे हकूकुल इबाद की तरफ, ह्यूमैनिटेरियन जिहाद की तरफ। दोनों ऑप्शंस हैं इस्लाम में, मिलिटेंट इस्लाम से ज़्यादा बड़ी ऑप्शन है हकूकुल इबाद और ह्यूमैनिटेरियन जिहाद। आपका माइंडसेट बदलेगा तो आप इस मुल्क में जो एक रींगती हुई कौम है जिसके पास ना काम है, ना पैसा है, ना बिजली है, ना खाना है, ना हस्पताल है, ना एजुकेशन उस लेवल की है, वो आपके साथ मैच ही नहीं कर सकते, वो आप तक पहुंच ही नहीं सकते। तो उस कौम को उठाने के लिए सबसे ज़रूरी
चीज है कि उनके दिमाग में से गुस्सा, तकलीफ और सिर्फ अपनी सोच निकले और वो हकूकुल इबाद और कम्युनिटी सर्विस की तरफ भी उनका रुझान हो ताकि वो उस तरफ चल सके। रूलिंग एलीट के लिए जो बिल्कुल नहीं समझते कि कोई तब्दीली आ सकती है, इसलिए कि यही सिस्टम चलना है, इसी सिस्टम में उन्होंने चलाना है, इसी के लिए लोगों ने वोट देना है। तो जब रूलिंग एलीट नहीं समझेगी कि हम अब अकेले रूल नहीं कर सकते, अवाम अब रेडी हो गई है कि उनमें से भी बहुत उनमें से में इतनी समझ आ गई है कि हमसे उनको अपने हकूक लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली इजाज़त है, इस्लामिकली इजाज़त है, तो हमें अब वो प्रोवाइड करने होंगे और ईदी साहब का रास्ता उनको अपनाना होगा ताकि एक ईदी स्टाइल की गवर्नमेंट हमें नज़र आए, एक गवर्नमेंट नज़र आए जो हमारा काम कर रही हो, हमें दिखा रही हो, हमें नज़र आ रहा हो, हमें अफेक्ट कर रहा हो और वो काम ऐसा काम हो जो गवर्नमेंट करे कि वो एक पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट बन जाए। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ ये तो हर सियासतदान के लिए एक सबक है, एक ज़रूरी मुस्तकबिल का सबक है कि अगर सियासत करनी है तो आपको सियासत हकूकुल इबाद वेलफेयर को लेके अपने साथ वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ाने के लिए ही करनी पड़ेगी। अब हमें उनको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो जो मर्ज़ी करें और हमें कुछ भी ना मिले। तो वापस आते हुए कि जब मैं ईदी साहब के पास ये डॉक्यूमेंट लेके गई TDF की रजिस्ट्री का, तो ईदी साहब ने उस वक्त अपने दोनों हाथ उस रजिस्ट्रेशन पे रख के आंखें बंद करके, तो मैंने उनसे जो पूछा कि अब आप बताएं कि मैंने TDF में काम क्या करना है, तो उन्होंने मुझे हाथ रख के कहा कि अब मेरा मिशन शुरू हुआ है। मसलन जितना काम उन्होंने किया सारी ज़िंदगी वो आपके लिए था कि आपको और हुकूमत को और अवाम को पता चले कि एम्बुलेंसेस अशद ज़रूरत है। ईदी साहब का काम नहीं था, प्राइवेट एम्बुलेंसेस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये आपके वेलफेयर स्टेट हो तो ये एम्बुलेंसेस आपको वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड करेगी। जो ईदी साहब ने प्रोविजंस दी या जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरह आप तक पहुँचे, जिस तरह अवाम तक उन्होंने अपनी उनके दिलों में जगह बनाई, उसी तरह ईदी साहब चाहते हैं कि उनका नज़रिया अब फैले। काम तो उनका फैल गया, काम तो चलता रहेगा, फैसल ईदी इस काम को बनाता रहेगा, ये आगे बढ़ता रहेगा, ईदी फाउंडेशन बढ़ती रहेगी, लेकिन ईदी फाउंडेशन का नज़रिया वो नज़रिया हमने हकूमत के अंदर लेके जाना है, वो नज़रिया हमने इस्लामाबाद ले जाना है। इस मूवमेंट की, इस तहरीक की सिर्फ पाकिस्तान में ये नहीं रुक जाती, ये ग्लोबल तहरीक है, ये माइंडसेट जो मुसलमान है सारी दुनिया में उनका हकूकुल इबाद ह्यूमैनिटेरियन जहाद एज अपोज टू मिलिटेंट जहाद, तो उस तरफ हमने पूरी दुनिया के माइंडसेट को ले जाना है। इमेज ऑफ इस्लाम, जो इमेज बन गया इस्लाम का, उससे हट के हमने ह्यूमैनिटेरियनिज्म पे ले जाना है, ईदी साहब के नज़रिए पे ले जाना है। तो ये ग्लोबल माइंडसेट चेंज और ये पाकिस्तान का फॉर इट्सेल्फ टू गेट इट्सेल्फ द राइट गवर्नमेंट, वो दोनों चीज़ों को इस तहरीक ने कवर करना है। हमने ह्यूमैनिटेरियनिज्म पे ले जाना है, ईदी साहब के नज़रिए पे ले जाना है। तो ये ग्लोबल माइंडसेट चेंज
और ये पाकिस्तान का फॉर इट्सेल्फ टू गेट इट्सेल्फ द राइट गवर्नमेंट, वो दोनों चीज़ों को इस तहरीक ने कवर करना है। इसमें माइंडसेट बदलने के लिए हमने इसको टीचिंग इंस्टीट्यूट बनाया, ये एक टीचिंग इंस्टीट्यूट। इसमें हम जैसे पुराने वक्तों में हमारे रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्तों में स्टोरी टेलर्स होते थे, तो वो स्टोरी टेलर्स हर जगह फैल जाते थे और वो कहानी सुनाते रहते थे। उसी तरह हम ईदी साहब की कहानी, उनका फ़लसफ़ा, उनका नज़रिया, हम रिमोटेस्ट एरियाज़ में इन द हिंटरलैंड्स ऑफ पाकिस्तान तक डीपली हम उसको फैलाने की कोशिश हमने शुरू कर दी है। इसके लिए हमें लैंड की ज़रूरत है और हमें बहुत लोगों ने ज़मीन ऑफर की है, जहाँ हम ईदी फाउंडेशन, ईदी सेंटर स्टार्ट करेंगे, उसके साथ ईदी एम्बुलेंसेस होंगी और साथ टीडीएफ का ऑफिस होगा जो टीडीएफ टीच करेगी और लोगों को भेजेगी स्टोरी टेलिंग्स के लिए, जो अंदर तक बात पहुंच सके, रिपोर्टें हम तक आई जाएं और साथ ईदी फाउंडेशन की फैसिलिटीज़ उस एरिया को प्रोवाइड हो जाएंगी और एम्बुलेंस उस एरिया को प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये हमें अभी से ऑफर आ गई हैं, हमें जामशेरों में भी ज़मीन मिल गई है, हमें क्वेटा में मिल गई है, हमें बलूचिस्तान में मिल गई है, ग्वादर में मिल गई है, हमें मियांवाली में मिल गई है और पहली हमारी जो डोनेशन थी, जो अब एक साल डेढ़ साल हो गए, मेन मुल्तान रोड पे, जहाँ पर हमने पिछले रमज़ान में 26,000 लोगों को खाना खिलाया था, तो उस एरिया में तब बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन मेन मुल्तान रोड से हम शुरू कर रहे हैं और ये सारे पाकिस्तान में इन एवरी प्रोविंस हम फैला देंगे टीडीएफ का। जो हिस्से हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आने शुरू कर हो जाएंगे, विमेंस एम्पावरमेंट, यूनिटी ऑफ विमेन एंड देयर एम्पावरमेंट। तो हम वुमेन्स एम्पावरमेंट हो, चिल्ड्रन ऑफ वॉर, ये मैंने कागज़ आपको दिया है, इस कागज़ में हमारा सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए हमने क्या करना है, औरतों के लिए हमने क्या करना है और हमने हुकूमत के साथ कोऑपरेशन के साथ उनकी कोऑपरेशन के साथ हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को तवज्जो देनी है, हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को तवज्जो देनी है, हमने रूलिंग क्लासेस को मोटिवेट करना है कि ये गवर्नमेंट के साथ आके हमें मदद करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की चिल्ड्रन वार्ड टेक ओवर कर लें, कोई और टेक ओवर कर लें, कोई, इसलिए कि हम अलग नहीं हैं, हम अपनी हुकूमत से अलग नहीं हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, ये सब अवामी चीज़ें हैं, ये सब अवामी एहसासे हैं जिनको हमने डेवलप करना है और जिसमें हम रूलिंग क्लास को इनवाइट करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि वो हमारे साथ इस काम पे। और ईदीज़म क्या है, ये फ़लसफ़ा क्या है? बेसिकली ये फ़लसफ़ा मैं आपको निचोड़ इसकी बता दूं, ये फ़लसफ़ा है कि एक वेलफेयर स्टेट का है। अब मैं एक मिनट ये ख़त्म कर लूं। ये वेलफेयर स्टेट की ईदी साहब की ख्वाहिश और जो उन्होंने आखिर दम तक कहा कि मैं कामयाब नहीं हुआ अपने मिशन में, इसलिए मैं गुर्बत की एलिविएशन, गुर्बत का खात्मा नहीं कर सका, वो वेलफेयर स्टेट ने करना है, कंट्रोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के कुछ नीचे भी जाए, एक रुकावट आ गई है कि ऊपर ही रह जाता है, तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है
ये तो आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे, स्ट्रेटजिस्ट बताएंगे, आपकी गवर्नमेंट में ऐसे लोग होने चाहिए जो वो स्ट्रेटजीज बनाएं जो नीचे तक उसका इफेक्ट हो। और वक्त मेरा ख्याल है आ गया है कि अब हम लोगों ने इतनी बातें की हैं पाकिस्तान में, आप टीवी शोज देखें, टॉक शोज देखें, हम बहुत आगे काफ़ी अरसे से हम इस मकाम पे आ रहे हैं कि एक दिन आएगा व्हेन द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल डिमांड अ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट डिमांडिंग पॉलिटिकल पार्टीज। Political parties have to start showing themselves as welfare promoters. Otherwise, there is no place for them. They will be rejected. People will reject them. हमारी पूरी कोशिश है कि लोग उनको elect करें और उनको select करें जो कि उनके welfare के बारे में सोचें। उन्होंने वेलफेयर का काम नहीं किया और अब उनको रिजेक्ट हो जाना चाहिए, तो ज्यादा तो मुस्लिम लीग नून ही रही है माजी में देखें और अभी भी वो ही है, तो जो भी रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी जो भी हुकूमतें रही हैं अगर उन्होंने कोशिश भी की हो, पाकिस्तान की कोई हुकूमत वेलफेयर स्टेट नहीं बना गई। ये एक नई कंडीशन है, ये एक नया नया तजर्बा होगा, ये एक नया कॉन्सेप्ट, एक नए नज़रिए के साथ हुकूमत आपकी बनेगी। तो ख्वाह कोई भी पार्टी हो, पहले जो भी हो, मैं पहले की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ अब अपना रुख बदलें और इस रास्ते पे आएं, इसलिए कि डिमांड यही, सोल्यूशन यही है। आप सोल्यूशंस मांगते हैं ना, जब आप बहुत बातें करते हैं, सोच विचार करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आपकी टॉक शोज पे देखें हम क्या करें, हम क्या करें, सॉल्यूशन आपके पास एक है, वेलफेयर स्टेट। वो जो भी बनाए अल्लाह करे जो बनाए वो इलेक्ट हो। अच्छा मैम, आपने ये इस मिशन को आगे बढ़ाएगा जी, ईदी फाउंडेशन और ईदी का जो फलसफा है वो आज तक पॉलिटिसाइज नहीं हो सका, तो क्या टीडीएफ के साथ जब टाई अप होगा तो क्या ये ईडी का फलसफा पॉलिटिसाइज नहीं हो जाएगा? तो है ही पॉलिटिकल। नहीं, ईडी का फलसफा नहीं, 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 आम के लिए देखें, नॉन प्रॉफिट और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं देखें, एक मिनट आप मेरी बात सुनें, वो तो टोटली वेलफेयर है। आप मेरी बात सुने ना, तो हम वेलफेयर गवर्नमेंट मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं कि जो आपको ईडी साहब ने प्रोवाइड किया इतने हिस्से में, जो जिस नज़रिए से उन्होंने प्रोवाइड किया, उन्होंने होलसेल काम किया, उन्होंने ये काम नहीं किया कि रिटेल काम किया, थोड़ा सा काम किया, या बाकी एनजीओज जो कर रही हैं कि एक एरिया को उठाती हैं, एक एरिया में काम करती हैं, हाँ, तो वो नहीं किया उन्होंने, पूरा क्रॉस द बोर्ड काम किया जो भी आ गया, हाँ, इनडिस्क्रिमिनेट काम किया। तो जो उन्होंने काम किया वो काम उधर महदूद तो नहीं रह सकता ना, वो काम था, वो आपको दिखा गए, वो आपको रास्ता दे गए, इसीलिए उन्होंने अपना फलसफा, अपना नज़रिया लिखा है, अपना काम भी लिखा है, इसको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ेगा तो पॉलिटिसाइज हो जाएगा, इसलिए कि इट इज़ अ पॉलिटिकल थॉट। आपने ये कहा मैडम, एक सेकंड, आप बात कर रहे हो मैडम, मैं आज के रोज आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं इस मौके पर ये जरूर इस बात का दोबारा तहलील करना चाहता हूँ कि खिलाफत राष्ट्र का वो निज़ाम जो एक वेलफेयर स्टेट का वाकई डिपिक्शन करता है, आज आपने उसकी शुरुआत की है और वाकईता ने कदम बढ़ाया जिसमें है और हैव नॉट की जंग को भी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन वो आप कैसे इसको आने वाले तबकात में आप कैसे वो हम काम करेंगे ना, वो तो हमारे एक नेचुरल क्वेश्चन है। वो आज आप जर्नलिस्ट को टाइम दे दें, बाकी दोस्तों मैं तो पता नहीं ना कौन यहाँ पे सब जर्नलिस्ट है। अच्छा मैम, एक नेचुरल क्वेश्चन है, यू विल फेस इट इन फ्यूचर, आपने सोशल जस्टिस की बात की, आपने कहा रूलिंग एलीट जो है वो एसेट्स को टिकट डाउन नहीं कर, यू आर पार्ट ऑफ द रूलिंग फैमिली, आप कहाँ पे देखेंगे ये क्यों नहीं आप कर पा रहे,
और किस तरह आप क्यों नहीं करवा पा रहे? अभी इसमें क्या इम्पेडिमेंट? कोई घर में बैठ के तो भाई पूरे सिलसिले को तो नहीं बदल सकता ना, और एक मैं अपने सिलसिले को कुछ बदलूं, लेकिन बाहर निकली हूँ आप, अब मैं बदलूंगी, अब वो ट्रिकल डाउन होना होने की हम वो बटन्स दबाएंगे कि किसी तरह ट्रिकल डाउन हो, वो तो हमारे काम की इम्प्लीमेंटेशन से आप देखेंगे ना कि हम किस हद तक फैल गए, जिसमें मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि प्रेस के बगैर विदाउट पिकिंग अप your family to get it implemented. I don't need to approach my a family can't implement. It is a matter of consensus in that whole country, in the entire country. It's a matter of both sectors. The you who will vote and those people who will be asking you to vote. मैंने तो कह दिया है कि मेरा इरादा है कि मैं दोनों sections में जाऊंगी. मैं दोनों की तरफ पहुंचूंगी. अच्छा मैडम, दुनिया का ये उसूल रहा है कि कोई भी तहरीक जब जब से दुनिया कायम हुई आज तक वो तहरीक कामयाब नहीं होती जब तक सब है. आप अपनी फैमिली को क्यों नहीं मोटिवेशन देते सबसे पहले, या फिर आपकी वहाँ बात नहीं सुनी जाती इसलिए आप लोगों में आइए? आप नहीं, नहीं मेरी बात ही लोगों के साथ है, मेरी फैमिली के साथ बात ही नहीं. मैं नहीं, प्लीज सुने, कोशिश की हमने, नहीं प्लीज सुने ना. नहीं नहीं मैं आपको बात बता रही हूँ कि हो सकता है इन्हीं में से कोई निकल आए जो उस रास्ते पे चल पड़े. हमने तो कदम आज उठाया है. हाँ, अब हम सबको मोटिवेट करेंगे. एक फैमिली तो नहीं है पाकिस्तान में, बहुत सियासी सियासी क्या कहते हैं औकात के लोग हैं जो जो हाँ आपकी फैमिली जरूरी नहीं है कि ये बनाएं, जरूरी नहीं है कि ये बनाएं. आप एक बीज बोते हो और वो फिर दरख्त बनता है. कोई लोग छोटा सा बना लेते हैं पैच और उसमें सब्जी उगा के और थोड़े से फूल उगा के रह सकते. मैंने एक बहुत बड़े दरख्त का बीज बोया है जो कि इंशाल्लाह ताला एक दिन साया होगा पूरे पाकिस्तान का, और ये बीज जो मैंने बोया है ये दरख्त बनेगा, इसकी बहुत ब्रांचेस होंगी. ये ऐसे नहीं है कि एक फैमिली को कह दो और आप वो सुन लें आपकी और वो जाके आपको वेलफेयर स्टेट दे दें. कोई आपको ऐसे वेलफेयर स्टेट नहीं देगा. ये एक प्रोसेस है, ये एक माइंडसेट है, ये एक पूरी तब्दीली है आप में, मुझ में, उनमें. तो ये शुरुआत है, ये फर्स्ट स्टेप है. अब ये मेरी जिंदगी में होगा, मैंने कहा है आपको कि ये मेरा आखिरी सफर है, तो इसको कायम करके अल्लाह करे मैं जा सकूं. लेकिन मेरा गोल फॉर पाकिस्तान है सोशल वेलफेयर स्टेट फॉर पाकिस्तान. अच्छा मैडम ये बताइएगा, आपने एक साल पहले एक स्कीम शुरू की थी, तब एक तहरीक हुई थी 10 मरला तहरीक का आपने आगाज किया था, जब एक 10 मरला घर में आपने खुद को भी क्या बदल करे, तभी आपने एक मैसेज दिया था कि अब तमाम हुक्मरानों को भी उस 10 मरला के अंदर शिफ्ट होना चाहिए. एक तो उस तहरीक को अगर हम देखें तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है, किसी भी लोग ने वहां पर नहीं किया. लेकिन जरूरी नहीं, दूसरी इसके साथ दूसरा कनेक्ट कर लीजिए कि आपने अब तक कितने बड़े बड़े अफराद को, सियासतदानों को, ताजरों को और बड़ी कम्युनिटी जो है उनको टच किया अपनी इस तहरीक में शामिल करने के लिए कि वो गरीबों के साथ आम लोगों के साथ अपना जो कॉन्टेक्ट है वो बढ़ाए. मैंने किया है, बातचीत तो हम कर रहे हैं, वो तो नेचुरल हमारा. आपके हस्बैंड इसमें आपके साथ हैं? मेरा ख्याल है कि उनकी सोच बिल्कुल, उनको पता है मैं क्या सोचती हूँ, तो बिल्कुल साथ ही होंगे. होंगे या हैं? मैं दिल से डिफरेंस बिटवीन होंगे एंड हैं. अच्छा मैम ये बताइए, उनको पता है रास्ता यही है, उनको पता है गोल यही है सोशल वेलफेयर स्टेट. तो वो ये रास्ता क्यों नहीं चुनते फिर उनको? उनके वक्त पे आके वो चुनेंगे. वो सियासतदान है, जैसे मैं सबको कह रही हूँ, मैं उनको भी कह रही हूँ. अब हम इससे पहले हमने कोई इस पे कोई बात हुई है सोशल वेलफेयर स्टेट की तरफ? आपने आप हर बात सुनते हैं, आपकी टीवीज़ पे हो रही हैं, अखबारों में हो रही हैं, लोगों में हो रही हैं,
सोशल वेलफेयर स्टेट की आपने कितनी बातें सुनी है, डिमांड फॉर सोशल वेलफेयर स्टेट सुनी है? मैंने नहीं सुनी, आपने सुनी? अ जनरल डिमांड, अ जनरल, नहीं 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 नहीं, नॉट फॉर अ सोशल वेलफेयर स्टेट, नॉट फॉर अ सोशल वेलफेयर स्टेट। इसी सिस्टम को, एक मिनट, इसी सिस्टम को वो कुछ एरियाज को ठीक करने और तब्दील करने में इन्वॉल्व हैं। मैं कह रही हूँ कि ये सोशल वेलफेयर स्टेट एक बहुत फर्क चीज़ है, वो एक गोल है, वो एक, अभी मैंने बात की है सिर्फ, शुरुआत तो हमने कर दी है, आप बहुत जल्दी देखेंगे कि हम किस तरह निकलेंगे इसके साथ बाहर, शुरुआत मैंने कर दी है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है पूरा, इसको फैलाना है, इसको आपने ऊंचा करना है। ये नारा है, सोशल वेलफेयर स्टेट की डिमांड है। सोशल वेलफेयर स्टेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो आपको खुद पता है, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं। सबसे बड़ी जो रुकावट है वो डिफेंस स्टेट का जो कंसेप्ट है वो है, और आपको पता है क्या मतलब, कि जो पाकिस्तान को एक फौजी स्टेट के तौर पर जो इसका डिफेंस बजट बढ़ाया जाता है, और जो तासुर यही है कि ये एक सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं है बल्कि एक डिफेंस स्टेट है ना, और बजट जो बढ़ता है वो हमेशा फौजी बजट बढ़ता है, डिफेंस बजट बढ़ता है। इस क्लास से कैसे लड़ेंगे आप? कोई क्लास से लड़ने की जरूरत नहीं है, जब आप उस तरफ चलना शुरू हो जाते हो तो एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। आपकी, आपका मददगार रब है, रास्ता आपका सही होना चाहिए, पाकिस्तान को उस रास्ते पे जाना चाहिए जो उसके लिए मुस्तकबिल में के लिए सही हो। अभी चलेंगे तो पहुंचेंगे ना। आज मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर रही, मैंने सोच लिया है, बस मैंने ये सोचा, लेकिन मैं कदम ना उठाऊँ के लिए, तो फिर कदम मैं नहीं उठाऊंगी तो वो बनेगी तो नहीं बात आगे ना। मैडम, अकाउंटेबिलिटी के लिए आपने हंगर स्ट्राइक की थी, तो अब इसके लिए भी हंगर स्ट्राइक नहीं, आप है ना, आप मेरी आवाज उठाएं। मुझे जरूरत है कि हमें डिस्कशन और सोच विचार अब करनी जो चाहिए वो करनी चाहिए कि वेलफेयर हमने प्रोवाइड करनी है आवाम को। हमें मेरा ख्याल है इलेक्टेबल्स में जो कि हुकूमत बना सकते हैं उनमें अभी तक इस चीज को किसी ने नहीं उठाया। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि किसी जमात ने वेलफेयर स्टेट की बात की, फलाही रियासत जहां पर एहतसाब सबसे पहले होगा सरकारी मुलाजमीन से। और मैं ये भी कहूंगी, आपका पहला जो सवाल था मैं उसको इधर उधर हो गया, हाँ, कि वो 10 मरले की जो आपने बात की थी सिम्बॉलिकली, इसलिए कि मैं इस पर यकीन रखती हूँ कि मैं खुद तो 10 मरले के मकान में चली गई, मैंने किसी और को तो एक ही दफ़ा कहा ना कि सब उतर जाए नीचे, इसलिए मुस्तकबिल में मुझे नज़र आ रहा है। जैसे मैं 93 में अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही थी और आज हो गई है, आपके सामने है, उसका शोर आपके सामने है, एक शोर है, तब तो खामोशी थी, प्रोसेस शुरू हो गया। देखें, खामोशी और शोर में बहुत फ़र्क होता है, तबसरे में बहुत फ़र्क होता है, जब आप डिस्कॉस एक चीज़ पे करने शुरू कर दो तो वो किसी नतीजे पे पहुंचना शुरू हो रहा होता है, ज़िंदा हो गया होता है, पहले तो था ही नहीं, मरा हुआ है। अब मैं आपको जो आप बात कर रही हूँ कि 10 मरले से मैं तो शुरू हो गई, रास्ता तो यही था ना, आप कह रहे हैं वो मुहिम ख़त्म होगी, मुहिम तो यही है, वही वेलफेयर है। आपके हुक्मरान जब 10 मरले के घरों में रहेंगे, आपके ब्यूरोक्रेट्स जो 10 मरलों के में घरों में रहेंगे, जो GOR के 8-8 कनाल के घरों से निकलेंगे, जिनको इतनी गाड़ियां और प्रोटोकॉल ज़रूरत नहीं होंगे, आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी भी रूलिंग एलीट है, आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी, छोटे से छोटा बंदा ले लो, सब चीफ मिनिस्टर हैं, सब प्राइम मिनिस्टर हैं, अवाम के साथ तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो आपके महल्लात, आपके जो असासे, आपकी जो चीज़ें, इतनी कंसंट्रेशन उस तरफ है कि आपकी रूलिंग क्लास और की तवज्जो जा ही नहीं सकती वेलफेयर पे, इसलिए वो चीज़ें तो आपको हटाती हैं गरीब से।
ईदी साहब जो रोज़ सुबह भीख मांगते थे, उनको ज़रूरत नहीं थी भीख मांगने की। एक वक्त आ गया था जब ईदी फाउंडेशन में इतनी रकम थी कि ईदी फाउंडेशन कुड इवन लोन मनी टू पाकिस्तान। ईदी फाउंडेशन कोई ऐसी वैसी चीज़ ईदी साहब ने नहीं बनाई, उसका तो एक रुपया भी नहीं ज़ाया हुआ कभी। तो वो बन गई है, इट इज़ अ वेरी बिग सेल्फ सस्टेनिंग, चाहे उसके डोनेशंस कम हो गई हैं आफ्टर हिज डेथ, बिकॉज इस मुल्क के लोग समझते हैं कि एक बंदा मर गए, उस बंदे को हम देते थे, वो बंदा जो है वो अब नहीं है, अब इस फाउंडेशन की कोई फायदा नहीं। बंदे की बात नहीं है, बंदे की बात नहीं है, बंदे की बात नहीं है, ये ईदी साहब के नज़रिए की बात है, उसको ज़िंदा रखना है, इसलिए डोनेशन देनी है। एम्बुलेंसेस बहुत कामयाब हों, उनके सेंटर्स बहुत कामयाब हों, तब जाके उनके नज़रिया भी मजबूत होगा, इसलिए हम उनके साथ फैल रहे हैं, उनको अपने साथ हम फैला रहे हैं पूरे अंदर, जहाँ वो नहीं भी हैं वो जाने लगे हैं। तो 10 मरले की स्कीम उस सोच में आती है कहीं। जो शोर है, मैं आपको बता दूं कि ये एक किस्सा है, कल कोई और किस्सा था इससे भी बड़ा, परसों कोई और किस्सा होगा। ये तो किस्से हैं, ये तो निकलते रहेंगे, इन पे बहसें होती रहेंगी, इनको कंक्लूजन्स पे आप पहुंचाते रहोगे जिस हद तक आप पहुंचा सकते हो। पैसा खर्चता रहेगा पाकिस्तान का, इस पे बात होती रहेगी, पूरी तवज्जो इस पे है। तो वो जो गरीब बच्चा अस्पताल में मर रहा है जिसके पास दवाई नहीं है, तो उसकी तो सोच बेचारा आपने की नहीं कि हम ये किस तरह करेंगे कि इनको प्रोवाइड हो। इसीलिए मर रहा है कि उस पर फुल तवज्जो नहीं जा रही, इसलिए मर रहा है, इसलिए कि उसके लिए कुछ केटर ही नहीं किया आपने अपने सिस्टम में कि उस तक पहुंच सके। तो एक चीज पे आप जितनी भी तवज्जो दें, हम समझते हैं कि हर चीज़ सिंबॉलिक है, तो आप तवज्जो दे रहे हैं एक इशू पे, वो इशू आपका ने सारी अटेंशन ले लिए हर चीज़ की। वो रखें आप जहाँ आप अटेंशन रखना चाहते हैं, लेकिन हम उस अटेंशन को थोड़ा सा मोड़ के वहाँ से आपको यहाँ लेके जा रहे हैं कि कुछ और भी है, एक बड़ी सोल्यूशन है। आप सिर्फ वहाँ पैनमा पे ना रुक जाएं, आप उससे आगे भी चलें, उससे आगे क्या है, चलें आप उसको रिजॉल्व कर लें। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। अदारे जो हैं, अदारे आपके ठीक होंगे, इसी तरह होंगे जिस सिलसिले में चल रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस मजबूत होंगी इसी तरह जिस तरह आप चल रहे हैं, लेकिन आपकी जब डायरेक्शन बदलेगी सोशल वेलफेयर स्टेट की तरफ, तो आप अवाम की भी अटेंशन उस पर लेके जाओगे कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन के ट्रिकल डाउन हो, एक सोल्यूशन के हम तक वो फैसिलिटीज पहुँचें, एक सोल्यूशन के जो भी कुछ हो रहा हो हुकूमतों में, जो भी सिलसिला हो रहे हों जो आपने उठा लिए हों, चाहे अकाउंटेबिलिटी के हों, उनके बावजूद आपकी डायरेक्शन मूवमेंट की, आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट फॉर द 1918 इलेक्शन शुड बी वेलफेयर स्टेट, इसलिए उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आप बातें कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अकाउंटेबिलिटी। सारी चीजें गैर अखलाकी हैं, सारा कुछ यहाँ तो गैर अखलाकी है। गैर अखलाकी इखलाकी तो अब तब बनेंगे जब आप वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। वो तो एक जुडिशियल मैटर है, अल्लाह करे वो रिजॉल्व हो जाए जल्दी, जो लोगों के जहन कहीं और लगे।